दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट सपोर्ट और इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को लेकर कि निफ्टी अभी इस समय जो कामकाज कर रहा है ये 18,500 प्लस के लेवल के ऊपर कामकाज करते हुए दिखाई दे रहा है। ऐसे में बात आती है कि बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी जो है ये अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक करके अभी नीचे की ओर स्लिप हुआ है और यहाँ पर जो बैंक निफ्टी में क्लोजिंग देखने को मिली है ये 44,000 का जो इंपॉर्टेंट एक लेवल है। यहाँ पर बैंक निफ्टी का इंडेक्स जो है ये दो दिनों से क्लोजिंग देते हुए नजर आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जो 44,000 का जो इंपॉर्टेंट लेवल है अभी इसका लिए एक सपोर्ट का काम कर सकता है। अगर यहाँ पे यह इंडेक्स रुकता है तो यह माना जा सकता है कि बैंक निफ्टी अब लंबी तेजी के लिए तैयार होते हुए दिखाई दे सकता है। लेकिन अगर 44,000 का लेवल ब्रेक हो जाता है, उसके नीचे चलता है, तो फिर फाइनली बैंक निफ्टी में हमें गिरावट देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी के कल के ट्रेडिंग सेशन में कौन से इंपॉर्टेंट सपोर्ट और इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर नजर रखनी चाहिए। तो इसके लिए हम सिंपली एनजेवन एप्लीकेशन के ऊपर आएंगे और यहाँ पे इसके डेटा का एनालिसिस करेंगे। तो हम यहाँ पे एनजेवन एप्लीकेशन को लॉग इन कर चुके हैं। एनजेवन एप्लीकेशन को लॉग इन करने के बाद आपको एप्लीकेशन को ऊपर की ओर थोड़ा स्लाइड करना होता है। जैसे आप ऊपर की ओर एनजेवन एप्लीकेशन को स्लाइड करते हैं तो आपको यहाँ पे एक इंस्टेड एफ की बटन देखने को मिलती है, आपको यहाँ पे बैनर देखने को मिलेगा। तो आपको यहाँ पे एनजेवन एप्लीकेशन पे इंस्टेड के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने यहाँ पे इंस्टेड की ट्रेडिंग विंडो ओपन हो जाती है। दोस्तों, ट्रेडिंग विंडो की जो खासियत है इसके बारे में भी आपको बता देते हैं कि इसकी क्या खासियत है कि आप यहाँ पे जैसे ही कोई भी ऑर्डर लगाते हैं तो आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट होने के बाद आपका जो P&L है आपको सेम विंडो पे देखने को मिलता है। आप अपने ऑर्डर को बाय एंड सेल आप सेम विंडो से कर सकते हैं, चार्ट का एनालिसिस आप सेम विंडो से कर सकते हैं। तो इतना इजी, इतना आसान हो जाता है एनजेवन एप्लीकेशन को यूज़ करना, जो कि अलग ब्रोकर हाउसेज की जो एप्लीकेशन है उससे और ज़्यादा इसको इफेक्टिव बनाता है और इसको और ज़्यादा कारगर बनाता है, मतलब कि काम करने में और ज़्यादा सुविधाजनक बनाता है। इसके लिए जैसे कि आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी इंडेक्स को ऐड करना है तो आप प्लस के बटन से आप निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों इंडेक्स को आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे इसको ऐड करके रखा है। अब यहाँ पे हम निफ्टी के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने यहाँ पे निफ्टी का चार्ट लग जाता है। अब हमने यहाँ पे निफ्टी का चार्ट लगा के रखा है तो आपको देखने को मिलेगा कि निफ्टी ने यहाँ पे जो क्लोजिंग दी है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लोजिंग हमें देखने को मिल रही है, क्योंकि यहाँ पे अगर निफ्टी एक कोई पैटर्न को आइडेंटिफाई कर रहा है, निफ्टी में एक गिरावट का माहौल अगर बनने वाला है तो इसके लिए हमें इस प्रकार के पैटर्न को आइडेंटिफाई करना ज़रूरी होता है। हमने एक पिछला वीडियो बनाया था जिसमें हमने बताया था कि गिरते मार्केट में हम किस प्रकार से पहचाने की मार्केट में गिरावट आ सकती है, उसी प्रकार से हमें यहाँ पे अब निफ्टी में एक पैटर्न बनते हुए नजर आ रहा है। अगर ये पैटर्न बन जाता है तो निफ्टी यहाँ से भारी बिकवाली के लिए आ सकता है और निफ्टी में हमें और ज़्यादा यहाँ से गिरावट देखने को मिल सकती है। तो हम यहाँ पे जानकारी की ओर आगे बढ़ते हुए बताते हैं सब पूरा इन्फॉर्मेशन। अब आपको देखने को मिलेगा कि हमने यहाँ पे कुछ रेजिस्टेंस को लगा के रखा था और कोई सपोर्ट को लगा के रखा था, जो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे हमने हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ करके रखा है। यहाँ पे पहले तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन जब नीचे से ऊपर गया तो मार्केट में यहाँ पे एक रेजिस्टेंस का काम किया, अब ऊपर से नीचे आ रहा है तो यह सपोर्ट का काम करने वाली है। तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन लगी है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिनको आपको विशेष तौर पर नजर रखनी चाहिए। अब निफ्टी ने, अगर हम आज के ट्रेडिंग सेशन पर देखते हैं तो निफ्टी ने एक यहाँ पे पॉजिटिव नोट पर क्लोजिंग दी, ओपनिंग दी थी और यहाँ से गैप के साथ निफ्टी इंडेक्स ओपन हुआ था। लेकिन यहाँ पे अपन जो हाई लगाया था और जो गैप के साथ ओपन हुआ था उस ओपन के नीचे यहाँ पे क्लोजिंग देखने को मिली है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि कल का ट्रेडिंग सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, मतलब कि अगर कल के ट्रेडिंग सेशन में जो आज का लो पॉइंट था, अगर इस लो पॉइंट के नीचे बैंक निफ्टी का इंडेक्स ओपन होता है और उसके नीचे ही क्लोज हो जाता है तो ये माना जा सकता है कि अब निफ्टी इंडेक्स में बिकवाली हावी होने वाली है और यहाँ से अब निफ्टी जो है बड़ी गिरावट के लिए तैयार हो सकता है। तो ये लेवल आपको विशेष तौर पे ध्यान में रखना चाहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट इसके लिए सपोर्ट होने वाला है, अगर मान लो कल के ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी जो है ये लो पॉइंट के नीचे खुलता है, जो आजकल लो है उसके नीचे चलता है, तो पहला सपोर्ट का लेवल जो इसके लिए बनने वाला है ये 18,500 का पहला सपोर्ट बनेगा। और अगर 18,500 मतलब कि यहाँ से 90 पॉइंट ये नीचे, ये 90 पॉइंट नीचे का लेवल है, अगर ये लेवल आ जाता है तो हमें पहला सपोर्ट 18,500 का देखने को मिलेगा। और 18,500 के नीचे का फाइनल निफ्टी स्लिप होता है, और 18,500 के नीचे का निफ्टी स्लिप होता है तो इसके बाद 18,400 का जो अगला सपोर्ट है ये देखने को मिल सकता है। और इसके बाद 18,390 का एक लेवल काफी इंपॉर्टेंट लेवल होने वाला है, क्योंकि यहां पे LMA इंडिकेटर काम कर रहा है। यहां तक कि हमें फाइनेंस निफ्टी में गिरावट, यहां तक कि हमें निफ्टी में गिरावट देखने को मिल सकती है, मतलब कि निफ्टी इंडेक्स यहां तक के नीचे आ सकता है। और इसके बाद अगर हम अगले सपोर्ट की बात करते हैं तो 18,335 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट हमें निफ्टी में देखने को मिल सकता है। तो यह लेवल के ऊपर आपको नजर रखनी चाहिए। अब बात आती है कि क्या निफ्टी यहां से पैटर्न बना के ऊपर की ओर जा सकता है। अगर मान लेते हैं कि निफ्टी इंडेक्स 18,500 के लेवल पे आ जाता है और 18,500 का लेवल को ब्रेक नहीं करता है, इससे वापस ऊपर जाता है, तो वापस निफ्टी में हमें 18,550, 18,600 और 18,700 से
बाद 18,800 का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। तो इन सपोर्ट और इन रेजिस्टेंस को ध्यान में रखते हुए हम निफ्टी में ट्रेड कर सकते हैं। इसके साथ अगर बात करें यहाँ पे एमएसडी इंडिकेटर की, तो एमएसडी इंडिकेटर ने यहाँ पे एक पॉजिटिव साइन दिया हुआ है, इसके चलते हुए निफ्टी में यहाँ पे तेजी देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर ये क्रॉस ओवर कंप्लीट नहीं होता है तो यहाँ पे निफ्टी में हमें गिरावट भी देखने को मिल सकती है। इसके साथ अगर हम देखना चाहते हैं कि बैंक निफ्टी किस प्रकार से मूव कर रहा है, बैंक निफ्टी में कौन से इंपॉर्टेंट सपोर्ट और इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल रह सकते हैं, तो यहाँ पे हम बैंक निफ्टी के ऊपर क्लिक करेंगे और जैसे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने इंस्टाटेट विंडो पे बैंक निफ्टी यहाँ पे लग जाता है। अब आपको देखने को मिलता है कि बैंक निफ्टी में भी यहाँ पे एक डोजी पैटर्न इन्फॉर्म होता हुआ नजर आ रहा है। मतलब कि कहीं ना कहीं ये माना जा सकता है कि ये जो इंडेक्स है या मार्केट की बात करें तो मार्केट में एक गिरावट का माहौल भी यहाँ पे बन सकता है। क्योंकि क्या होता है कि यहाँ पे जो पैटर्न के इन्फॉर्म हो रहे हैं कि पहले कुछ समय पहले जो था यहाँ पे इसने एक इम्पॉर्टेंट लेवल को बना के रखा और बैंक निफ्टी जो था इस लेवल को पार नहीं कर पाया। लेकिन अगर आज की हम बात करते हैं तो बैंक निफ्टी जो था ये गैप के साथ ओपन हुआ और इसने जो हाई लगाया था ये 41,450 के ऊपर भी ये गया और उसको सस्टेन नहीं कर पाया, वहाँ से नीचे आया और इसने पूरी की पूरी बढ़त गवा दी और एक डेओजी पैटर्न को यहाँ पे इन्फॉर्म कर दिया। अब कल की बात आती है कि कल अगर जो बैंक निफ्टी इंडेक्स है अगर इस पॉइंट के नीचे रह जाता है, उसके नीचे चलता है, तो हमें इसमें और ज़्यादा गिरावट यहाँ पे देखने को मिल सकती है। मतलब कि बैंक निफ्टी जो इस समय 41,300 के लेवल पे यहाँ पे क्लोज होता हुआ दिखाई दिया है, अगर ये इसके नीचे चलता है तो सबसे इंपॉर्टेंट हमें यहाँ पे पहला सपोर्ट देखने को मिलेगा या 44,100 का देखने को मिलेगा और इससे बड़ा सपोर्ट हमारे सामने आता है जो आता है 41,150 का। क्योंकि यहाँ पे पहले काफ़ी वक्त यहाँ पे निफ्टी इंडेक्स ने गुजारा है, बैंक निफ्टी इंडेक्स ने गुजारा है। अगर बैंक निफ्टी इंडेक्स इस के नीचे चलता है, मतलब कि 41,150 के नीचे चलता है और 44,000 के का एक इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल हो जाता है, 44,000 के नीचे का स्लिप होता है, तो फिर हमें 43,860 का पहला इंपॉर्टेंट सपोर्ट देखने को मिलेगा और अगर ये सपोर्ट भी ब्रेक होता है तो 43,650 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट हमें देखने को मिल सकता है। क्योंकि ये साइकोलॉजिकल लेवल भी है और यहाँ पे बोलिंजर बैंड का मिडिल बैंड भी कामकाज करते हुए नजर आ रहा है, तो इन लेवल के ऊपर आपको विशेष तौर पे नजर रखनी चाहिए। साथ ही एमएसडी इंडिकेटर ने यहाँ पे कोई पॉजिटिव क्रॉस ओवर दिया नहीं है, तो इसके चलते यहाँ पे हमें एक बिकवाली का प्रेशर भी देखने को मिल सकता है, तो ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर अपसाइड की बात करते हैं और बैंक निफ्टी अगर जो आज का हाई पॉइंट है इसको सस्टेन कर लेता है, तो फिर बैंक निफ्टी में और ज़्यादा हमें अपसाइड के मूव देखने को मिल सकते हैं। 44,500 से लेके 45,000 तक के हमें बैंक निफ्टी इंडेक्स जाता हुआ दिखाई दे सकता है, तो ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं बैंक निफ्टी के लिए। अब बात करते हैं कि बैंक निफ्टी में अगर हम बाइंग करना चाहते हैं तो बाइंग किस प्रकार से कर सकते हैं, तो सबसे पहले तो आपको ऑप्शन चेन देखने को मिलेंगी। इस ऑप्शन चेन पर हम क्लिक करते हैं, जैसे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एंजल एप्लीकेशन पर ही ऑप्शन चेन का डेटा लग जाता है। इस ऑप्शन चेन के डेटा के आधार पर अगर हमें लगता है कि बैंक निफ्टी में तेजी आ सकती है तो हम यहाँ पर जो कॉल ऑप्शन है इसको बाय करेंगे और अगर लगता है कि बैंक निफ्टी में गिरावट आ सकती है जो पुट ऑप्शन वाला डेटा है इसको हम बाय करेंगे। कहने का मीनिंग ये है कि अगर मार्केट में तेजी आती है तो कॉल को बाय करते हैं और मार्केट में अगर गिरावट आती है तो पुट ऑप्शन को बाय करते हैं। जैसे कि अगर मैं लेना चाहता हूं, अगर मुझे लगता है कि निफ्टी बैंक निफ्टी में तेजी आ सकती है, इस कंडीशन में अगर मुझे लेना चाहिए तो 44,300 का स्ट्राइक प्राइस और 44,000 का स्ट्राइक प्राइस अच्छा लगता है। इन स्ट्राइक प्राइस के साथ हम जा सकते हैं बाइंग के लिए और अगर एक छोटे प्रीमियम के साथ अगर हम जाना चाहते हैं तो 44,400 का स्ट्राइक प्राइस अच्छा लगता है। इस स्ट्राइक प्राइस के साथ हम यहाँ पे पोजीशन बना सकते हैं बाइंग साइड के लिए। बाइंग साइड हमें तभी करना जब हमें लगता है कि बैंक निफ्टी का इंडेक्स जो है 44,500 से लेकर 45,000 के लेवल तक जा सकता है और अगर हमें लगता है कि फाइनल बैंक निफ्टी में गिरावट आ सकती है तो गिरावट के लिए अगर हम लेना चाहते हैं तो 44,300 का एक लेवल काफ़ी अच्छा लगता है। 44,400 का लेवल अच्छा लगता है। इन लेवल के साथ हम जा सकते हैं और यहाँ से हम अपनी पुट की पोजीशन बना सकते हैं। अगर हमें ऑर्डर लगाना है तो ऑर्डर लगाने के लिए अगर मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी में गिरावट आ सकती है, गिरावट के लिए मैं ऑर्डर लगाना चाहता हूँ, तो इस कंडीशन में मैं 44,400 का जो स्ट्राइक प्राइस इस समय 262 पे एलटीबी काम कर रहा है तो इसके ऊपर क्लिक करूँगा, यहाँ पे बाय ऑप्शन पे प्रेस करना होगा और यहाँ पे सिंगल लॉट मेंशन करूँगा। दोस्तों बैंक निफ्टी के सिंगल लॉट में जो क्वांटिटी आती है 25 क्वांटिटी आती है और करंट प्रीमियम के साथ जो मुझे मार्जिन लगेगा ये 6,550 लगेगा। नीचे बाय ऑप्शन पर क्लिक करना है और ऑर्डर को कंफर्म करना है। अभी हमारा मार्केट बंद हो चुका है, इससे जो हमारा ऑर्डर है आफ्टर मार्केट लगेगा, यस ऑप्शन पर प्रेस करेंगे और हम अपने ऑर्डर को प्लेस बाय ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पे प्लेस कर देते हैं।
तो इतना ईजी इतना आसान हो जाता है दोस्तों एंजेमन एप्लीकेशन में ऑर्डर को लगाना और यहाँ पे ट्रेडिंग करना। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो जानकारी आपको पसंद आई होंगी, तो ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारी के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन ऑन करें, ताकि स्टॉक मार्केट, एमसीएक्स मार्केट, कमोडिटी मार्केट से जुड़ा हुआ हर एक लेटेस्ट अपडेट आपको समय समय पर मिल सके। दोस्तों अगर आपने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट एंजल फंड में ओपन नहीं किया है तो मैंने बेस्ट ऑफर्स के साथ डीमैट अकाउंट ओपनिंग लिंक को डिस्क्रिप्शन में लगा के रखा है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर एंजल फंड के साथ अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और यहाँ से अपने इन्वेस्टमेंट की जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले टेक्निकल एनालिसिस में नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।